दोस्तों आज से 3 साल पहले जिस महामारी ने दुनिया में एंट्री ले चुकी थी और आने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई थी, अब वो फिर से दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। और मैं उसी महामारी कोविड-19 की बात कर रहा हूँ जो फिर से नए साल में अपना विस्तार कर रहा है। और अब भारत सरकार ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि जो लोग अपने मास्क को रख कर निश्चिंत हो गए थे वो अब फिर से अपने मास्क को निकाल ले, और जब भी आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हो तो मास्क लगा कर जाएं, क्योंकि चाइना में जो कोरोना फैल रहा है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और फिर अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि चीन की 60% आबादी को कोरोना अपने शिकंजे में आराम से ले लेगा, जो पूरी दुनिया की 10% आबादी है। लेकिन अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोरोना तो खत्म हो ही गया था, तो फिर ये कहां से कोरोना इतने लोगों को शिकंजे में लेने वाला है। तो पहली बात, कोरोना इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को काफी कम कर दिया गया था, जिस पर वेस्टर्न कंट्री इंडिया और वेरियस कंट्री ने अपने द्वारा बनाए गए वैक्सीन को लगाकर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ईगो को दिखाने के चक्कर में फिर एक बार दुनिया को एक बड़े खतरे में डालने वाला है। इसने अपने ही वैक्सीन से कोरोना को खत्म करने के फैसले को लेकर मेडिकल के क्षेत्र में सुपर पावर बनने की सोचा था, लेकिन इसके वैक्सीन उतने प्रभावी नहीं थे। और अब चाइना की वजह से फिर दोबारा कोरोना फैलना स्टार्ट हो गया है।